मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु ऐसा मत कहो, 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है, हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है मधु। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है, तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, रुपया पैसा जायदाद तुम्हें क्या चाहिए बोलो मधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी, मैं समझती थी कि वैश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वैश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो, माँ चाहे वैश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मेरा बच्चा। राज, राज वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया प्लीज उसकी हालत तो देखो। मधु 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम प्रिया मधु तीनों घर में नहीं हो, कहाँ हो तुम सब? माँ हम लोग अस्पताल में, मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ले आया। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ, हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। अच्छा नहीं माँ, नहीं, आप लोग आराम से आइए, ठीक है, डॉक्टर दादा मेरे साथ हैं। ओफो, मैं बस आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन है सीरियस, मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ, हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। yes. नर्स मिस्टर राज के सिग्नेचर लीजिए। कम ऑन नर्स, इनको अंदर लेके चलो, संभाल। गुड न्यूज, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। प्यारा बच्चा।
तुम माँ को बचाना चाहती थी ना, माँ भी बच गई और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, खुद कर सो गई थी। इस बच्चे की माँ तुम ही हो, ये तुम्हारा ही है। पोते को मुझे दो ना। अरे देख 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 देख, देख, देख। मैं तेरा परदादा हूँ। अरे हाँ, हमारी मधु को क्या हुआ, लड़का या लड़की? उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना बेटी, दिल छोटा मत कर, समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारे प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा, एक साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी, घर वालों को सच्चाई बता देती हूँ। जब दो भाई एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं रह सकती? मुझे यहाँ पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस बहन को बहन ही रहने दो, सौतन मत बनाओ, नहीं तो कभी कोई औरत किसी दूसरी औरत पे यकीन नहीं करेगी। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा हक तो उन यादों पे है जो मुझे यहां मिली। मैं यहां एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक मां, और मुझे क्या चाहिए? मधु, तुम्हें चेक इन कर दिया है, ये तुम्हारा बोर्डिंग पास, तुम्हारे बैग्स लगेज में डलवा दिए, इसमें तुम्हारे नए घर की चाबियां हैं और कुछ ब्लैंक चेक्स तुम्हारे नाम, जो तुमने मेरे लिए और प्रिया के लिए किया है, उसके लिए अगर मैं अपनी पूरी दौलत भी दे दूं तब भी कम है। बस ये समझ लो कि ये मेरी और प्रिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने तो तोहफा ले लिया, ये देखो, मैं अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसके सिवा मैंने कुछ भी लिया तो ऐसा लगेगा कि एक माँ ने अपने बच्चे की कीमत ले ली। लेकिन मधु, तुम, मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी जहां से तुम मुझे लाए थे। तुमने एक बार मुझे छू लिया, अब और कोई नहीं छू सकता। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश!
अच्छे मुबारक है, मुबारक 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 मुबारक। बच्चू तू भी क्या याद करेगा, ये देख आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ, खुद भी दबा कर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद, अब तो मैं जीना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो मेरी छड़ी आ रही है, अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है, क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग। अरे छुटवा देख, बड़े बारीक सालन बाद टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहू रानी का कमाल है। दादाजी जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं मेरे दादाजी हैं। माँ जी अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है, एक एक पेड़ में 100-100 किलो आम लगा है। अरे तू आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था? झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए जी लाइए, उस टोकरी में डाल दीजिए जी। ये लीजिए। अरे अरे क्या कर रही हो बेटी, मैंने कई बार कहा है ना ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल दीजिए। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरह बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरह बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा, बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, इसलिए प्रिया के कमरे में। क्या हुआ, सो गए? नहीं मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुझसे बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए, वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर नेता, महाराणा प्रताप नेता, सचिन तेंदुलकर। खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेरी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ हाँ बेटी बोलो। आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी? Thank you.
आओ, कम ऑन पप्पू। पप्पू भैया शाबाश, कम ऑन, कम ऑन, बगा पप्पू, बगा। गुड पप्पू, वेरी गुड, वेरी गुड, कम ऑन, ये। आई गो। अरे पकड़ बंसी। कैच इट, कैच इट, कैच इट। अरे कम ऑन टूट गया। ओह शिट। क्या बंसी? You are out. आउट किस दादाजी? ये तो सिक्स था। आउट मतलब आउट। ये क्या बात हुई? दादाजी, चीटिंग मां, इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर। बरखुरदार, ये हमारे खानदान का रूल है कि जो डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर गया वो आउट। लाओ बैठ दो मुझे। अच्छा ये बोली ना कि बैटिंग करनी है। हाँ बैटिंग करनी है मुझे। तू जाकर बैटिंग कर। क्या बात है दादाजी, पहली बॉल में तो आउट हो जाओगे। अरे जा, देखे तेरे जैसे बहुत आउट करने वाले।